हमारे साथ धर्मेंद्र भरद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी एमएलसी की चंचल यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं। और चंचल जी आपके पास ही आ रहे हैं, जिस तरीके से मामला उमेश पाल का सदन में भी आज उठा, ये बताइए कि यही वो माफिया है, जब बुलडोजर चलता था तो आप लोगों ने हाय तौबा मचा दी थी कि ये कौन सा शासन है, और वही माफिया जब इस तरीके के कांड के आरोपों में घिर जाए तो आप लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। स्टैंड को लेकर कंफ्यूजन है क्या कि इधर खड़े होंगे या इधर खड़े होंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड सदैव क्लियर रहा है। हम लोग गुंडों माफियाओं को हम लोगों ने कभी कर्ज नहीं दिए। अगर आप याद करें, सांसद और विधायक तो आप लोगों ने खूब बनाया है, पूरी लिस्ट है वो। विधायक जब विधायक उस समय बने थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी को निकाल बाहर भी किया है, आप ये भी जानते हैं। लेकिन आज का सवाल ये है कि आज के समय में क्या लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, पक्ष से बदतर हालात है पूरे उत्तर प्रदेश में, जंगल राज कायम है। अगर आप देखें आजादी के इतिहास के बाद, ऐसा पहले कब हुआ था कि एक माँ बेटी सरेआम जिंदा जला दी गई, शासन प्रशासन के सामने थी। और सोचिए कि जो अभी इलाहाबाद प्रयागराज जो घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंता का विषय है। और सोचिए, ये दिखाता है कि किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं इस सरकार में। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास तो तमाम आंकड़े हैं। अभी देखिए, घटनाओं की बड़ी लंबी फहरिस्त है पूरे प्रदेश में। अगर बात करें गाजियाबाद में, दिन दहाड़े एसडीएम की पत्नी से जो है सरेआम बदमाशों ने धक्का मुक्की लेकर के लूट की है। अभी देखिए हाथरस में घटना, तमंचा दिखा करके महिला के साथ बदसलूकी और छेड़खानी हुई है। आगरा में बदमाशों का आतंक इतना है कि सरेआम जो है वारदातें जो है हो रही है। ज्वेलरी शॉप में लगातार आपको जो है छिनैती डकैती चल रही है आज के समय में। एक एक प्रदेश की बड़ी बड़ी तीन घटनाएं चंचल जी आप भूल गए, वो भी मैं याद दिला देता हूँ। आपके शासनकाल में प्रतापगढ़ में जियाउल हक जो डिप्टी एसपी थी, गोली मार दी गई। मथुरा में एसपी सिटी को गोली मार दी गई और पत्रकार जोगेंद्र को जिंदा जला दिया गया। तो फेहरिस्त आप लोग अपना वाला भूल जाते हैं, समस्या तो यही है, कैसे अपराध कम होगा? आप सोच सकते हैं डिप्टी और एसपी, डिप्टी एसपी को गोली मार दी जाती है, हत्या हो जाती दिन दहाड़े। लेकिन धर्मेंद्र भरद्वाज जी, आप बच नहीं सकते समाजवादी पार्टी के शासनकाल से। वो बात तो चंचल जी सही कह रहे हैं कि फेहरिस्त तो लंबी है। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि आप अपना वाला मत भूलिए ना। अपराध तब मिटेगा जब आप ये सोचना भूल जाएंगे कि अपराधी किस शासनकाल का है, वरना नहीं मिटने वाला है। प्रदेश की चिंता करिए धर्मेंद्र भरद्वाज जी, ये जो सवाल है आप कितने भी बुलडोजर चला लीजिए, लेकिन अगर दिन दहाड़े गोली चल रही है तो कोई मतलब नहीं बुलडोजर का। चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को और प्रदेश को ये बताना चाहता हूँ कि जब 2017 में सपा की गवर्नमेंट थी, 2017 में अपनी बात करिए आप धर्मेंद्र, आप कितने भी बुलडोजर चला लीजिए लेकिन दिन दहाड़े अगर उमेश पाल जैसे लोग मारे जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं इसका। आपके बुलडोजर का मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि 2017 में जब माननीय आदरणीय हमारे योगी जी ने कमान संभाली, उस समय पूरे प्रदेश की स्थिति क्या थी। चारों तरफ से गुंडागर्दी, बदमाशी, चाकू तमंचा, लूट जो और दंगाइयां हर जगह सड़कों पर। समाजवादी पार्टी उसको कमान संभालने के बाद बन गई। आप अपने बात करिए ना, जो प्रयागराज में हुआ, देखो ना क्यों भाग रहे हैं आप। चंचल जी की पार्टी को सजा मिल गई जो उन्होंने किया। आपको मैं उसी पॉइंट पर लाता हूं, जब आप ये आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी डॉक्टर के पास कोई आदमी तंबाकू खा करके अपने आप को कैंसर से पीड़ित कर लेता है और वो डॉक्टर के पास जाए कि मुझे कैंसर हो गया, तो उसको कीमो देनी पड़ती है, उसको समय लगता है। इस प्रदेश को इन्होंने जो पूरे पिछले वर्षों में किया है, वो पूरी जनता इसको सबक सिखाने के लिए बैठी है। अभी 5 साल में जो इन्होंने हमारे 5 साल में महाराज जी ने जो दिया है, एक एक आप ये देखे कि एक एक जो माफिया है वो या तो धरती में मिल चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, प्रदेश छोड़ चुका है, या फिर नहीं तो वो अपना इस देश को छोड़ के भागने की तैयारी में। और जो माफिया थे क्या? जो माफिया जेल में है, मैं उसके लिए भी, जो माफिया जेल में है मैं वो भी बता देना चाहता हूँ, जो माफिया जेल में है जब वो सुबह उठते हैं तो वो केवल यही पूजा करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई और माननीय योगी जी से जान बचाई, ये जय 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 हनुमान गोसाई और माननीय योगी जी से जान बचाई। ऐसा कोई भी माफिया नहीं रहेगा इस प्रदेश में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप अपनी बात करी नहीं रहे, कोई बदमाश ऐसा नहीं रहेगा जो वो इस मिट्टी में मिलने का काम। अशोक जी आप अपनी बात करना ही नहीं चाह रहे हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।